सत्ता के लालच में ये सब किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी की सरकार वहां से चली गई, नहीं बन पाई, इस वजह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर माहौल को गर्म रखा जाए। बाकी बीजेपी शासित राज्य में उतरवा दीजिए लाउड स्पीकर। तो श्रीमान आनंद दुग्गा की दृष्टि में श्री नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमान आनंद दुबे की निगाह में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कॉमेडी शो करते थे, क्योंकि उनकी भी सभाओं में तालियां और सीटियां सुनी थी। तो जो लोग बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हो, ऐसे लोग शिवसेना में जब भर्ती हो गए हैं तो शिवसेना अब सुभान अल्लाह कहने के अलावा क्या करेगी। एक बात, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, कर्नाटक में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, सारी जगहों पर हम कार्रवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे बताएं, उन्होंने सुन्नत तो नहीं करा ली है जो वो बजरंग बाण का पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में बेशर्मी से कार्रवाई करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आते ही वो चुप जाते हैं। तो कॉमेडियन थे क्या, वो जरा बताइए। इतने मायावी लोग हैं, अपने शब्द दूसरों के मुंह में डाल देते हैं, वाह यही तो इनकी कलाकारी होती है। मायावी आप हैं, मारीच की तरह मारीच की तरह माया कर रहे हैं। हम मारीच हैं, ये मामा मारीच वाली माया है महाराज। आप बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हैं, जिसकी सभा में सीटियां और तालियां बजे, अगर वो कॉमेडियन है तो बाला साहब ठाकरे कॉमेडियन थे। हिंदू की सभाओं में संवेदनशील बातें होती थी, बाला साहब ठाकरे जी की सभाओं में विकास की बातें होती थी, रोजगार देने की बात होती थी। 8 अक्टूबर 1994 से लेकर धन्य हो कितना प्यारा झूठ आप लोग बोलते हो, कितना तेल मसाला लगा कर बोलते हो। बाला साहब की सभा की चर्चा में बाकी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते रागनी नायक जी, क्योंकि आपकी महाघाड़ी की सरकार है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं 3 मई तक का, ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगी आपके पास लाउड स्पीकर उतारने के लिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, और यकीनन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इससे परेशानी भी होती रही है। तो लाउड स्पीकर क्या उतर जाएंगे 3 मई तक, उतार दिए जाएंगे? चित्रा जी, सबसे पहले तो भारत के संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री, सामाजिक समरसता के प्रणेता, शोषित दलितों के उन्नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं श्रद्धांजलि देती हूं, नमन करती हूं। और मुझे लगता है कि आज की बहस अंबेडकर जयंती के दिन ये जरूरी हो जाता है कि संविधान और कानून पर आधारित बात से शुरू हो, उसके बाद हम धर्म और भावनाओं तक भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश का उच्चतम न्यायालय, क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नॉइस इंटरफेयर्स विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन टू लिव इन पीस एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट फोर्स्ड ऑडियंस, यानी कि भारत के हर नागरिक के पास ये मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण माहौल में रह सके और ध्वनि प्रदूषण उस पर थोपा ना जाए। गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार जिस तरह से हर नागरिक के पास है, वैसे ही ये वर्डिक्ट हर धर्म पर, हर धार्मिक समारोह पर और हर व्यक्ति पर लागू होता है। तो ये देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा, न धमकियों के हिसाब से चलेगा, न ही फतवों के हिसाब से चलेगा। ये पहली बात नहीं रहा है ना, 2005 में अगर मामला आता है, रागनी करना चाहती हूँ क्योंकि ये ठीक है, 2005 में अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, नहीं इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, मुझे पूरा करने दीजिए, आप सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, सुन तो लीजिए। पांच समय अगर आजाद होती है यहाँ तो कौन से ऐसे मंदिर है जहाँ पर 5 बार लाउड स्पीकर से धार्मिक गाने बनाए जाते बजाए जाते हैं? अरे चित्रा जी, बात पूरी आप करने नहीं दे रही है, टोके जा रही है लगातार, बोलने तो दीजिए। मैं हनुमान चालीसा पर भी आती हूँ, बोलिए बोलिए, सुन तो लिया, पहले सवाल सुना, पूरा जवाब तो सुन लीजिए। अरे तो लगातार टोक रही हैं आप, राजनीति तो स्पीच देने के लिए नहीं भाई, मैं कह रही हूँ यहाँ पर बैठा हर पैनलिस्ट अपने दिल पर हाथ रखे। हाँ बोलिए, हमें बचपन से, हाँ हाँ पूछ लीजिए, जवाब पूरा कर लूँ फिर पूछ लीजिए। इतनी देर में आप आई हैं, सुनने का भी धैर्य रखिए ना, आप ही की आवाज सुनने के लिए। अरे अभी दो और लोग बैठे हुए ना, आपके पास भी जाना है, मुझसे सिखाया जाता है कि मन की, आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आपको दूसरे के पास जाना है, चली जाइए, क्यों बुलाया आपने कांग्रेस को, बात तो सुनेंगी ना, आप क्यों फतवा जारी कर रही हैं? अरे फतवा नहीं जारी कर रही हूँ, रागनी नायक जी प्लीज, लड़कर समय मत जाया कीजिए, आप जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप जल्दी से प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए, ठीक है, बोलिए 10 सेकंड का, बोलिए बोलिए बोलिए, 10 सेकंड का टाइम दीजिए, टाइम देगी तभी तो बोलूंगी। मन, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मन की मुरादें पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, यानी कि भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होती,
कहने की जरूरत नहीं, मानना ही बहुत है, उस दर पे तेरा शीश नवाना ही बहुत है, जो कुछ है तेरे मन में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। तो ये लाउडस्पीकर का जो मसला है ना, ये धर्म का मसला नहीं है, ये प्रभु और अल्लाह का मसला नहीं है, ये भाजपा और संघ की सियासत का मसला है कि फसाद में, उन्माद में और विवाद में फंसा के रखो हमेशा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर लाउडस्पीकर पे आजान की आवाज को अगर कम कर दिया जाएगा तो अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे, या अगर मंदिरों में तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा लाउडस्पीकर पे तो भगवान खुश हो जाएंगे। वो तो सर्वव्यापी है, सिया राम मैं सब जग जानी, उनको क्या जरूरत है? जरूरत है भाजपा और संघ को कि वो अपनी सियासत चमका सके।